पिछले काफी समय से पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी अपने बयानों से बीजेपी को संकट में डालते दिख रहे हैं। पिछले दिनों संसद के गलियारों में वरुण जब सपा सांसद डिंपल यादव से बातचीत करते दिखे तो बीजेपी में उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह के कयास लगने लगे कि वो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी आलाकमान भी वरुण से नाराज है। माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। वरुण गांधी भी साफ कर चुके हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट दे या ना दे, वो पीलीभीत छोड़कर नहीं जाने वाले। ऐसे में अब वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा सीट की जनता से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ बनी रहे। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। पीलीभीत में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने रणनीति तैयार की है, जो कि बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वरुण गांधी ने शुरू की 2024 की तैयारी। वरुण गांधी ने अपने लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने दफ्तर खोले हैं। इन दफ्तरों पर पोस्टर भले ही बीजेपी के नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर बैठने वाले लोग वरुण गांधी की टीम के हैं, जो 2024 की तैयारी में जुटे हैं। हर कार्यकर्ता खुद को टीम वरुण गांधी का सदस्य बता रहा है। वरुण गांधी की टीम को देखते हुए बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। फील्ड में 500 युवाओं की टीम। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वरुण गांधी ने 500 से ज्यादा युवाओं की टीम को पीलीभीत में उतार दिया है। इनमें से कुछ लड़के लोकल हैं और कुछ को बाहर से तैनात किया गया है। ये सारे कार्यकर्ता BBA, MBA, MA और इंजीनियरिंग के छात्र हैं और किसान परिवारों से संबंध रखते हैं। इन सभी को IT सेल की जिम्मेदारी दी गई है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मिशन 2024 पर काम कर रहे हैं। इन ग्रुपों के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका हल निकाला जा रहा है। वरुण ने बनाई बड़े स्तर पर रणनीति। ये कार्यकर्ता लोगों के बिजली बिल से लेकर कृषि लोन, पशु लोन, PM आवास योजना, उज्ज्वला योजना और पेंशन जैसी समस्याओं का निदान करते हैं। अगर आम लोगों को पुलिस परेशान करती है, तब भी वरुण की टीम के कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं और थानों में लोगों की मदद करते हैं। इन दिनों पीलीभीत के ज्यादातर लोग सांसद के प्रतिनिधि और वरुण की टीम के कार्यकर्ता से बात कर अपनी समस्या का निपटारा करवा रहे हैं। इसके अलावा खुद वरुण गांधी भी लोगों से कनेक्ट रहने के लिए बड़े स्तर पर संवाद और कार्यक्रमों की तैयारियां कर रहे हैं। अब बीजेपी के मंच पर नहीं दिखते वरुण। वरुण गांधी मौजूदा समय में बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन वो अकेले सांसद हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन का वक्त हो या फिर भ्रष्टाचार की शिकायतें। जब लखीमपुर हिंसा हुई, तब उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए खुलकर किसानों का समर्थन किया। माना जाता है कि इसके बाद से ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने धीरे धीरे उनसे किनारा करना शुरू कर दिया था। कभी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे वरुण गांधी बीजेपी के मंचों पर अब नजर नहीं आते।